हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट का फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने रॉयल्टी में किस तरीके से शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब किया जाता है इसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग अपना दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्राइक, लॉकआउट या और किसी प्रॉब्लम के होने पर कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग, इनका एडजस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए आज हम लोग अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट और एनी अदर रीजन दैट रिड्यूस द प्रोडक्शन। तो देखा देयर आर थ्री टाइप टू डिस्चार्ज सच लाइबिलिटी। अगर स्ट्राइक, लॉकआउट या कोई और केस हो जाता है तो किस तरीके से कोई भी लेजी जो होता है वो अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेगा। तो जैसा मैंने बताया कि तीन तरीके से ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज होती है। पहला तरीका क्या है, रिड्यूसिंग मिनिमम रेंट टू सम परसेंटेज। रेंट रिड्यूसिंग मिनिमम रेंट प्रोपोर्शनेटली हैविंग रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज। एंड तीसरा है तरीका है, एक्चुअल रॉयल्टी विल डीम टू बी द मिनिमम रेंट। तो इन तीन तरीकों में से कोई एक तरीका जो होगा वो आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा, जिसको सॉल्व करना है आपको इस केस के थ्रू। देखिए कैसे, अ कोल कंपनी टेक अ लीज ऑफ अ माइन इन द टर्म ऑफ 4 ईयर। 4 साल के लिए लीज को लिया गया है, 1 जनवरी 2001 से ली गई है। मिनिमम रेंट 24,000 रुपये पर ईयर है और रॉयल्टी है 25 पैसा पर टन। शॉर्ट वर्किंग जो है वो पहले 4 साल में ही रिक्यूब की जा सकती है। तो देखिए दिया गया है, ईयर दे रखे हैं 2001, 2002, 2003 और 2004। 2003 में स्ट्राइक हो गई है, ये हमें बहुत ही ध्यान से रखना है। इसमें 80,000 आउटपुट हुआ, इसमें 90 और इसमें स्ट्राइक के कारण आउटपुट जो है वो कम हो गया है और सबसे ज़्यादा आउटपुट ड्यूरेंट 4 में हो रहा है। अब अगर अलग अलग तीन केसेस में हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला केस है, इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट रिड्यूस टू 60%। मिनिमम रेंट को 60% रिड्यूस कर दिया गया है। तो केस वन में देखिए, हमने ये ईयर लिख लिए, ये उनके आउटपुट और रॉयल्टी जो है 25 पैसा है, तो इसका 0.25 से मल्टीप्लाई करते चले गए, तो हमारा 80,000 का 0.25 से मल्टीप्लिकेशन करा तो कितना आ गया, 20,000। 90,000 का किया तो 22,500, 60,000 का किया तो 15,000 और इस तरह ये 30,000, ये हमने रॉयल्टी कैलकुलेट कर ली। मिनिमम रेंट कितना है, तो मिनिमम रेंट को बोला है 24,000 रुपीज़ पर ईयर है, लेकिन कहा है कि जिस ईयर में 3 महीने की स्ट्राइक हुई है वो कौन सा ईयर है, वो 2003 में है। वहाँ मिनिमम रेंट कितने परसेंट से कम हो जाएगा, 60% से कम हो जाएगा। तो हमारा मिनिमम रेंट था कितना, 24,000 था, जो कि 60% से कम हो गया है, वो कितना हो गया है, 14,400। इसको उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया 14,400। यहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, इसलिए 24,000 ही लिखेंगे। अब शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करी, तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग जैसा मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो शॉर्ट वर्किंग आ रही है 4,000 और यहाँ पर 15,100 आ रही है। यहाँ पर देखिए रॉयल्टी ना, शॉर्ट वर्किंग ना आकर यहाँ पर सरप्लस आ रहा है 600। 15,000 माइनस 14,400, यहाँ पर भी हमारा सरप्लस आ रहा है 6,000 का। अब देखिए इसको रिक्यूब करने के लिए क्या बोल रहा है, कि रिक्यूब कर सकते हैं कितने साल तक, 4 साल तक, फर्स्ट 4 ईयर ही रिक्यूब किया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट 4 ईयर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, मतलब हमारी लिमिट यहीं तक ही है रिक्यूब करने की, ठीक। अब देखिए 4,000 में से 600 एडजस्ट हो गए तो रिक्यूब करके हमने लिख दिया। अब बचे 3,400 यहाँ गए, एडजस्ट हो जाएंगे, जी हाँ, पूरे 3,400 एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए 3,400 एडजस्ट हो गए 4,000 वाले। अब यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर बचे कितने, यहाँ पर बचे आपके 2,600 सरप्लस बच रहा है। अब इसमें से कितना एडजस्ट होना है, सेकेंड ईयर देखिए लिमिट तो यहीं तक है, 1,500 एडजस्ट होना है। तो हमारा जो 3,400 पहले का एडजस्ट था, 1,500 और एडजस्टमेंट हो गया, ये देखिए 1,500 एडजस्टमेंट और हो गया, टोटल मिला के कितना हो गया हमारा, टोटल मिला के हो गया 34 प्लस 15, ये हो गए हमारे 4,900। तो देखिए आपने 4,000 से एडजस्ट करे, 600 रुपये पहले एडजस्ट हुए,
600 पूरे क्यूब हो गए, 3400 अभी भी एडजस्ट होने बाकी हैं। वो कहाँ से एडजस्ट होंगे? इस 6000 से एडजस्ट होंगे, तो 6000 से ये 3400 एडजस्ट हो गए। अब इन 1500 की बारी आई, 1500 के लिए यहाँ पे कितना पैसा बचा था? 2600 बचा था, 6000 में 3400 माइनस कर दी, 2600 रुपये एडजस्ट होने के लिए बचा था, तो अभी एडजस्ट हो सकते हैं। तो 1500 भी एडजस्ट हो गए, तो 3400 प्लस 1500 टोटल कितने एडजस्ट हो गए? 4900 रुपीस हमारे एडजस्ट हो गए। अब देखिए इसको यहाँ कुछ नहीं आएगा, रुकी बचा ही नहीं। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड पहले साल 24000, दूसरे साल 24000, तीसरे साल देखिए हमने बताया था कैसे निकालते हैं, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस शॉर्ट वर्किंग क्यूब्ड। मिनिमम रेंट में सरप्लस जोड़ दीजिए और शॉर्ट वर्किंग माइनस कर दीजिए कि जो आएगा वो आएगा आपका 14400। सिमिलरली यहाँ पर मिनिमम रेंट 24000, 24000 में 6000 रुपये जोड़ दीजिए और 4900 रुपये घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 25100। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पहला केस, अब दूसरे केस पे आते हैं। लिखा है इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली हैविंग रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज। देखिए इसमें मिनिमम रेंट जो है वो कैसे रिड्यूस हो रहा है, जितने महीने आपका काम बंद रहा उतने महीने का आपको रेंट नहीं देना है। तो देखिए बिल्कुल हमने वैसे ही किया, सिर्फ मिनिमम रेंट वाले पे देखिए 24000 तीसरे साल में जहां पर स्ट्राइक हुई थी वहां पर हमारा 18000 कैसे आ रहा है? 18000 ये देखिए ऐसे आ रहा है कि देखिए 18000 का 24000 इंटू 9/12, क्योंकि 3 महीने तो स्ट्राइक रही, 9 मंथ ही काम चला है, तो 24000 इंटू 9/12 आ गया हमारा 18000 रुपीस। ये हमने यहाँ पर 18000 रुपीस लिख दिया है। फोर्थ ईयर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, 24000 रहा। अब शॉर्ट वर्किंग देखिए कैसे निकली, 24 माइनस 24000 24 माइनस 22500 1500 18000 माइनस 15000 3000 और यहाँ पर सरप्लस आ रहा है 6000। तो आप देखिए अब हमारे पास रिक्यूब करने के लिए क्या बोला है, फर्स्ट फोर ईयर मतलब यहीं तक रिक्यूब कर सकते हैं। तो देखिए इन पूरों को एडजस्ट करने का टाइम कितना है, सिर्फ 2004 तक है, तो कितना रिक्यूब करना बाकी रह गया है, 4000 प्लस 1500 ये होगा 5500, 5500 प्लस 3000 ये होगा 85, मतलब हमें रिक्यूब कितना करना था, 8500 क्यूब करना था। सरप्लस हमारे पास कितना है, सरप्लस है हमारा 6000, इसी से एडजस्ट करना था। तो ये पूरा एडजस्ट हो गया, ये आपका हो गया पूरा रिक्यूब। कितना अनरिक्यूब रहा, इन दोनों को माइनस कर दिया, जो माइनस करने पे आ रहा है वो आ रहा है आपका 2500, ये चला जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में। और हमने पेमेंट टू लैंडलॉर्ड निकाल दिया वही सेम फार्मूला यूज कर मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। हमारा तीसरा केस क्या है कि मिनिमम रेंट जो होगा वो एक्चुअल रॉयल्टी के बराबर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी के बराबर ही मान लिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शॉर्ट वर्किंग 4000 आई, ये 1500 ही आई। अब इनके लिए भी टाइमिंग कितना है, फर्स्ट फोर ईयर तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट जो आ रहा है एडजस्ट करने के लिए वो आ रहा है हमारा 5500 और हमारा सरप्लस कितना है 6000, आराम से इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो कितना रिक्यूब होगा, 5500 रिक्यूब हो जाएगा, बस अनरिक्यूब कुछ होना नहीं है। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड जैसे निकालना बताया था वैसे ही निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना रॉयल्टी का ये टॉपिक भी खत्म करते हैं, जिसमें हम लोग स्ट्राइक, लॉकआउट और एनी अदर रीजन दैट रिड्यूस प्रोडक्शन टॉपिक को हम लोग कंसीडर यहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रॉयल्टी के और भी पॉइंट, जिसमें होगा कि शॉर्ट वर्किंग नॉन रिक्यूब्ड, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड अंडर सर्टेन कंडीशंस, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।